सो हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, आदाब, कैसे हैं आप सब? आई थिंक बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर अभिषेक। दोस्तों, मेरे पास बहुत सारे बच्चों के मैसेज आते हैं कि सर, हम एक गांव से बिलोंग करते हैं, हम हिंदी मीडियम स्टूडेंट हैं, क्या हम नीट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं? और सर, अगर हमने नीट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन की, हमने अच्छा स्कोर किया, तो उसके बाद हमें MBBS में क्या कोई प्रॉब्लम होगी? हम घर पर रहकर नीट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कैसे करें? नीट एग्ज़ाम का जो पेपर होता है वो कैसे होता है, वो किस लैंग्वेज में आता है, वो कितना टफ होता है, कितना आसान होता है? इस वीडियो में मैं आपके सभी सवालों का आपको आंसर देने वाला हूँ। इसीलिए आप सभी पेरेंट्स या फिर स्टूडेंट जो इस वीडियो को देख रहे हैं, आप प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपके जो डाउट्स हैं वो बिल्कुल क्लियर हो जाए। सबसे पहले मेरा परिचय दोस्तों। जी हाँ, नमस्कार, मैं हूँ आपका दोस्त डॉक्टर अभिषेक। मैं लखनऊ से हूँ और मैं स्वागत करता हूँ एक बार फिर से आप सभी का। सबसे पहला सवाल कि क्या हिंदी मीडियम के बच्चे नीट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं और उनको MBBS में क्या कोई प्रॉब्लम होगी? तो आप एक बात समझिएगा कि जो नीट एग्ज़ाम होता है, जो आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है, वो बाइलिंगुअल होता है, यानी कि वो हिंदी में भी होता है, वो इंग्लिश में भी होता है। ना सिर्फ हिंदी इंग्लिश, इवन जो अदर रीजनल लैंग्वेज हैं, तमिल हो गया, कन्नड़ हो गया, मराठी हो गया, उन सभी लैंग्वेजेस में भी पेपर आता है। तो आप चाहें तो हिंदी में प्रिपरेशन करें और आप चाहें तो इंग्लिश में प्रिपरेशन करें। जिस लैंग्वेज में आपकी कमांड हो, आप उस लैंग्वेज को जो है टारगेट कर नीट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। नीट एग्ज़ाम में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आपको NCERT की बुक से पढ़कर ये एग्जाम देना होता है, पहली बात। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि नीट एग्जाम आपने दिया, अच्छा स्कोर हुआ, उसके बाद MBBS में क्या होगा? तो मैं आपको बता दूं कि MBBS क्या है, कि वो हिंदी और इंग्लिश अब बाइलिंगुअल लैंग्वेज में वो भी होने लगा है। UP हुआ, मध्य प्रदेश हुआ, उत्तराखंड हुआ, इन सभी स्टेट्स में जो है अब MBBS जो है वो हिंदी में भी होने लगा है। आप चाहें तो हिंदी में कर लें। दूसरी बात, अगर आप चाहते हैं कि इंग्लिश में करना, तो यार जब नीट एग्जाम आप क्लियर कर लोगे, उसके बाद आप कॉलेज जाओगे, तो रेगुलर प्रैक्टिस जब आप करोगे, टीचर्स आपको पढ़ाएंगे, आप घर पे पढ़ोगे, MD होती है, मेडिकल डिक्शनरी आती है, SN बंसल की और भी बहुत सारे राइटर्स की आती है, जहां पर हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही मीनिंग्स को एक्सप्लेन किया जाता है, तो रेगुलर प्रैक्टिस से आपकी इंग्लिश भी अच्छी हो जाएगी। अभी आपका टारगेट है मेडिकल कॉलेज जाने का, वहां जाने के बाद सब कुछ ऑटोमेटिकली मैनेज हो जाता है, थोड़ी सी मेहनत करनी होती है। अब बात आती है कि सर, हम गांव से बिलोंग करते हैं, हम नीट की प्रिपरेशन कैसे करें? तो मेरे दोस्त, आप गांव से रहो, आप शहर से रहो, कहीं भी हो, आप आसानी से नीट की प्रिपरेशन ऑनलाइन कर सकते हो। जी हाँ, YouTube एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर बहुत सारे टीचर्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते हैं। आप किसी भी टीचर को, अनअकैडमी का कोई टीचर है, कोई फिजिक्स वाला का टीचर है, अभी एक सरल ग्रुप आया है, बहुत सारे टीचर हैं जो इंडिविजुअल अपने सब्जेक्ट के बहुत एक्सपर्ट हैं। आप किसी भी टीचर को फॉलो कर लो, आप उनसे पढ़ो। टीचर्स बाइलिंगुअल पढ़ाते हैं, यानी बोर्ड पे वो इंग्लिश लिखते हैं और वो हिंदी में उसको ट्रांसलेट करके आपको समझाते हैं। आपको NCERT की बुक मार्केट से ले लेनी है। टीचर जो पढ़ाता है, आप वहाँ पढ़ो, सुनो, देखो, फिर अपने बुक से सेल्फ स्टडी करो और उसके बाद अपने लिए सेल्फ हैंडमेड नोट्स प्रिपेयर करते रहो। जब आपका एक टॉपिक कंप्लीट हो जाए, उसके बाद आप नीट के लिए NCERT एग्जाम्पलर आती है, या फिर नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आते हैं, फिंगर टिप आती है, ये वो बुक्स हैं जहां पर नीट के क्वेश्चंस होते हैं। एक चैप्टर कंप्लीट होने के बाद मैं बोलूंगा एग्जाम्पलर से कम 50+ क्वेश्चंस लगाओ। जब वो टॉपिक कंप्लीट हो जाए, तो रिविजन बहुत इंपॉर्टेंट, रेगुलर रिविजन करिए और रेगुलर क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। एक एक चैप्टर्स पढ़ते रहो और एक एक स्टेप आगे बढ़ते रहो। टाइम लगे, लेकिन कोई भी NCERT का पेज आपसे मिस ना हो। हर एक टॉपिक को अच्छे से पढ़ो, अगर कोई डाउट है उसको रिपीट करो, खुद से झूठ मत बोलो, जितना पढ़ो ईमानदारी से पढ़ो। आप देखोगे कि अगर आप आज से पढ़ना स्टार्ट करोगे, तो अपकमिंग 3-4 मंथ में आपकी काफ़ी अच्छी फिजिक्स हो जाएगी, काफ़ी अच्छी केमिस्ट्री हो जाएगी और आराम से आप अपना सिलेक्शन सिक्योर कर सकते हो। गवर्नमेंट कॉलेज की फीस काफ़ी कम है, तो टारगेट करें कि आपके नंबर नीट एग्जाम में
कम से कम 620 प्लस आए तो आसानी से आपको एक गवर्नमेंट MBBS सीट मिल सकती है। तो ये थी बेसिक इन्फॉर्मेशन। अगर आपको अभी भी कोई सवाल है, कोई डाउट है, तो वो आप अपने कमेंट्स में दे सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस लाते रहें, जिससे आपका सिलेक्शन सिक्योर हो और आप फ्यूचर में एक अच्छे डॉक्टर बनकर इस देश के, इस समाज की सेवा कर पाएं। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी फ्यूचर डॉक्टर्स का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।